हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। आप देख सकते हैं अभी धूप है, कहीं छांव है, क्योंकि आप देख रहे हैं आसमान में कहीं बादल हैं कहीं नहीं हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने कपड़े धोए थे सुबह की टाइम और ये सूख चुके हैं, तो इनको कर देती हूँ एक साइड में, क्योंकि आज धूप थोड़ी सही निकली थी इसलिए मेरे कपड़े सूख गए हैं, नहीं तो मुझे कपड़े अपने डालने पड़ते हैं कहीं इधर कहीं उधर। तो आज भरूंगी मतलब की टंकी, आप देख सकते हैं मतलब की टंकी के लिए मैं पाइप इधर नीचे डाल रही हूँ, तो इधर मतलब की समर की जो मतलब की वहाँ से ना बांध लेंगे समर की मतलब की बोरिंग है उधर एक पाइप लगा हुआ है, तो उस साइड में ना इस पाइप के छोर को बांध देंगे। एक हिस्सा मैंने इसको ऊपर रखा है ताकि ये टंकी को भर लूँ। तो दिखाती हूँ आपको टंकी के हाल, क्योंकि पूरी मतलब कि बरसात के मौसम में इसके इधर क्या क्या हुआ है आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड, जो कोई भी मेरे ब्लॉग पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे न्यू हो तो, और जो ओल्ड फ्रेंड है मेरे सभी लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देख लीजिए टंकी के अंदर बिल्कुल पानी था, मैंने इसलिए चेक किया है, बताया है दिखाने के लिए कि देख लीजिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये देख लीजिए मतलब कि बिल्कुल ही टंकी खाली हो चुकी थी, लगभग 1.5 महीना हो गया है टंकी को भरे हुए, तभी भरी थी। एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की है उसी टाइम की ये टंकी भरी हुई है, उसके बाद ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये खाली पड़ी हुई थी, तो उसका ढक्कन वक्कन उड़ गया था मतलब कि आंधी पानी आया था। तो इसके अंदर बच्चों ने ये देख लीजिए बोतल वगैरह डाल लिए, बहुत गंदा पानी है, ना ही इसमें मुँह धो सकते हैं ना ही कुछ काम आ सकता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको सरफ के पानी से डाल के धो दे। तो इसमें थोड़ा सा सरफ था दो चुटकी भर, तो वो ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मतलब कि ये भी गीला भींग चुका था, बारिश होती है पानी गिरता है, तो इसका ढक्कन ना किसी ने खुला छोड़ दिया, तो इसके कारण इसके अंदर पानी चला गया। सरफ था जो बिल्कुल गीला हो गया, कुछ मैंने कपड़ों में यूज़ कर लिया और थोड़ा सा कहीं हल्का सा कहीं डब्बे के अंदर चिपका था, वो ही मैंने इसके अंदर घोल लिया, इसी गंदा पानी था, इसी मिट्टी वाला पानी, इसी के अंदर मैंने डाल के इसको घोल लिया है। अब ये मैं मतलब कि उठा तो सकती नहीं हूँ और ना ही मैं इतनी पतली हूँ जो मैं इस टंकी के अंदर घुस जाऊँ, तो मतलब कि मुझे ये करना है, इस टंकी को इसी तरीके से हिलाना है जिससे कि सरफ का पानी ना ये चारों तरफ ना मतलब कि लग जाएगा, इसी तरीके से ये साफ हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एक बात आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, प्लीज़ पानी की बचत कीजिएगा, सिर्फ फॉर वाटर, तो हमेशा आप लोग को पानी की बचत करनी चाहिए। तो अभी ये टंकी मेरी बिल्कुल खाली थी, तो इसलिए मैंने इसको मतलब कि भर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि 1.5 मंथ हो गया है, 1.5 मंथ, तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं भरा गया था, गंदा पानी था और ये खाली थी, मतलब कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम के लिए पानी बिल्कुल नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसको धो दूँ। तो आप देख सकते हैं ना कोई फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो चलो पानी से मतलब कि कर रही हूँ। ये देख लीजिए मतलब टंकी 500 लीटर की है, हैवी है, मतलब कि नहीं उठाई जा रही है मेरे पे, तो मैंने इसको पैर का ना एक जोर देके तब इसको मतलब कि सारा गंदा पानी निकाल दिया है। आप देख लो कितना गंदा पानी है, देख लीजिए आप गंदा पानी निकल रहा है इसमें, मतलब कि इस तरीके से भी नहीं था कि मंजन वगैरह कर लिया जाए। तो इसको मतलब कि इसी तरीके से मैं इसको खाली कर लूँगी, फिर पानी आ जाएगा तो फिर मैं पानी इसके अंदर भरूँगी। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है वो है राजस्थान। राजस्थान में बहुत पानी की कमी है, पानी की इतनी दिक्कत है, मतलब कि इंदिरा गांधी जी ने इतना तो नहीं पता मुझे, शायद 1900 इसकी नींव रखी गई, वो 1958 में रखी गई फ्रेंड्स, 1984 में इसका मूल नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया और पब्लिक है उनके लिए सुविधा की थी इंदिरा गांधी जी ने, उस दौरान राजस्थान में एक नहर निकलवाई थी। मेरी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इधर देख लीजिए मैं टंकी को धो लेती हूँ, दोनों तरफ से धो लूँगी अंदर बाहर से। तो RCP मतलब राजस्थान कैनाल्स प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब यही है राजस्थान में मतलब कि जो नहर बनाई गई थी वही परियोजना चलाई गई थी,
उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है रुदाली, मतलब कि ये हकीकत की है। मतलब कि उस टाइम में एक रुदाली नाम की एक लेडीज़ हुआ करती थी जो नहर में, आपने फिल्म भी देखी हो चाहे रुदाली नाम की, तो इसे मरुधर की जान भी कहा जाता है इस नहर को, क्योंकि मरुधर की रानी, मरुधर की जान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मतलब कि पानी नहीं था। अब इसलिए मतलब कि जो सूखी रेत थी उसके अंदर मतलब कि मिट्टी में जान लाई गई, इसलिए इसे मरुधर की जान कहा जाता है, रानी कहा जाता है। तो उसमें यही हुआ था उस टाइम की, ये उसकी भी स्टोरी है, आप मतलब कि सर्च में कर सकते हैं रुदाली को। रुदाली एक मूवी है, तो उसमें मतलब कि एक प्रथा थी जिसके अंतर्गत मतलब कि ब्लैक कपड़े पहन के मतलब कि रोना वगैरह, जो कोई ख़त्म हो जाता है उनके इधर रोना मतलब कि रोने के लिए जाते थे, तो रुदाली उसको नाम दिया गया था। ये एक मतलब कि बहुत प्रथा थी, तो इसको बंद करवाया गया। मतलब कि जिस तरीके से अपना भारत देश ना तरक्की पे आया, विकास पे आया, उसी तरीके से पिछड़े मतलब कि जो बातें थी उसके जैसे मतलब कि पिछड़ी जो बातें नहीं होती हैं उनको सबको मतलब कि हटाया गया, समाज में एक सुधार लाया गया। मतलब कि यही नहीं प्रथा नहीं, रुदाली प्रथा नहीं, और भी प्रथा होती थी राजस्थान में। मतलब कि राजस्थान में क्या, बहुत जगह कई प्रथा होती थी, आज भी मतलब कि है, बहुत प्रथाएं चल रही हैं आज भी, पर धीमे धीमे उसमें भी लगना चाहिए। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये तो हुई राजस्थान की बात। इंदिरा गांधी जी ने अपने भारत देश के लिए मतलब कि राजस्थान के लिए बहुत ही उन्होंने सुविधा कराई, जिससे घर घर में पानी की सुविधा हुई, और आज पानी की मतलब कि घर घर में पानी है। नहीं तो महिलाएं दूर दूर तक जाती थी सिर पर मटके लेके, जहां पर ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो में आपको बिल्कुल मैंने बताया हुआ किस तरीके से पानी को सेव करते थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो क्या हुआ था ना, मतलब इसी तरीके से इसको देखते हुए मतलब कि बहुत दुखी है पब्लिक, तो इंदिरा गांधी जी के लिए यही नहर योजना चलाई, जिसके अंतर्गत ये पानी की समस्या ख़त्म हुई। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी नीचे झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि मैंने ये सारा जितना भी गंदा था आपको दिखाया है मैंने बिल्कुल क्लियर करके। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, सेल्फ वाटर, तो हमेशा पानी की बचत कीजिएगा। तो मैं हर एक वीडियो में आपको यही बताती हूँ, पानी की बचत कीजिए। तो ये मतलब कि जितना भी गंदा वगैरह पानी टंकी का फैलाया था तो इस तरफ आ गया था, तो थोड़ा सा पानी मैंने इधर डाल के झाड़ देती हूँ, जिससे कि ये सारा गंदा निकल जाए। तो हमेशा एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा अपनी जो पानी वाली टंकी है उसकी साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत सी जगह पे ना जैसे मैं पानी भरती हूँ इस तरीके से नहीं भरते पानी, मुझे पता है पानी को ना मतलब इसी तरीके की टंकी में भरा जाता है उनके ना वॉशरूम में और किचन में, सब जगह फिटिंग होती है, तो उसी से मतलब कि पानी वगैरह आता रहता है। हाँ, आप घर घर में आरओ वगैरह लग गए हैं, बट पहले ये कुछ भी नहीं था, तब भी मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो ये काम मेरे हस्बैंड भी कर सकते थे, मतलब कि टंकी भारी है और वो भी कर सकते थे, धो सकते थे, बट उनको टाइम नहीं है, तो मतलब कि ये अपना बनता है, मतलब कि घर की जिम्मेवारी है इसको संभालना, तो सब काम करना चाहिए सब। ये नहीं है मतलब कि मतलब कि रोटी पानी बस, इससे आगे भी कुछ और भी काम होते हैं, उनको भी देखना होता है। तो लेडीज़ हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कि हमेशा लेडीज़ स्ट्रांग ही रहनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, मेरा फ्लावर प्लांट है, मतलब कि गमला था वो फूट गया था, मैं आप कहेंगे हर एक वीडियो में ही बताती हूँ सबसे आपके गमला फूट गया है, तो गमला फूट गया था ना, मतलब कि दो बटल पड़े हुए थे, ये फूटे थे बटल मेरे पास, तो उस टाइम ना एलोवेरा भी मतलब कि गिर गया था। और ये पौधे तो मैं मतलब कि किसी से लिए हैं, बेबी थे ये बिल्कुल ही छोटे छोटे से, तभी मैंने लगा दिए थे, और इसके अंदर फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो फूल पत्ती इसी में से तोड़ के मैं अर्पण कर देती हूँ माता रानी जी को, या फिर भोले भंडारी जी मेरे हैं इनमें से, तो भोले भंडारी जी के तो मैंने आपको दर्शन कराए दिए हैं कल मतलब कि वीडियो में। तो ये देख लीजिए कपड़े थे जो मतलब इतनी जल्दी पड़ी है, क्योंकि मुझे बहुत लग रही है गर्मी, और धूप थी, लगभग ना बज रहे हैं 3,
तो 3 बजे का ये मतलब इसलिए लग रहा है क्योंकि बादल है, कभी धूप है, इसलिए इस टाइम को लग रहा है। तो 3:30 बज रहे हैं, तो धूप तो काफ़ी थी। तो इधर मैंने ये डब्बे को रख दिया, इसको धोके में सूखने के लिए रख दूँगी ताकि इसके अंदर दोबारा से सर्फ भर लूँ। और कपड़े में लेके आ गई हूँ अपने रूम में। अब देखिए मेरी हालत मैं आपको बताती हूँ, तो देख लीजिए ये है मेरी हालत। ना ही मेरे से सांस ली जा रही थी, ना ही मेरे को मतलब कि पंखा की हवा मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कुछ आज के ब्लॉग में समझ आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के ब्लॉग से आपको थोड़े बहुत मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे, जितना मुझे आता था मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।